गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 एंड माय टॉपिक इज पंच तत्व। ओके, ये पंच तत्व क्या होता है स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे। एक्चुअली ये संस्कृत का टर्म है पंच तत्व, जो आज हम लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पेज नंबर 1 में लिखा है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हो, कैपिटल में लिखा हुआ पंच, फिर कैपिटल में लिखा हुआ तत्व। एक्चुअली पी कैपिटल है वहां पर, तत्व का टी कैपिटल है। खैर, पंच तत्व। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। और जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियोस और मेरी टीम ढेर सारे वीडियोस बना चुके हैं अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये चैनल एजुकेशन से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पंच तत्व। तो सबसे पहले ये पंच क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंच। तो ये पंच का मतलब होता है फाइव, मतलब पांच। पांच का मतलब होता है पंच, ठीक है। पुराने जमाने में ना पंच को पांच कहते थे, या आप ऐसे कह सकते हैं पांच को पंच कहते थे। संस्कृत का टर्म है, इंडियन टर्म है पंच। पंच का मतलब होता है पांच। तत्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व। तो ये जो तत्व, तो पंच का मतलब क्या हो गया, पंच का मतलब हो गया फाइव और कुछ नहीं, 13। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। क्या तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। अब आप बोलोगे एलिमेंट केमिस्ट्री वाला, एक्चुअली एलिमेंट का मतलब होता है कंपोनेंट्स। एलिमेंट का मतलब यहां पर क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है बनाने वाला। जैसे मैं इस मार्कर के बारे में बात करूं, तो मार्कर किससे बना है, तो मार्कर आपको बना होगा अंदर में, इसमें रिफिल होगा, ठीक है, फिर इसमें इंक है, इसका बॉडी है, इसका कैप है। तो ये सभी का सब मार्कर का एलिमेंट हो गया। एलिमेंट का मतलब होता है कंपोनेंट, बनाने वाला। अगर मैं केमिस्ट्री से ये एग्जांपल ले लो, अगर मैं वाटर के बारे में बात करता हूं, तो इसमें आपको दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो बोलेंगे कि ये दो एलिमेंट से बना है। कौन कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो फिर यहां पर एलिमेंट का मतलब बनाने वाला हो गया ना, कि वाटर बना है दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो एलिमेंट का मतलब होता है कंपोनेंट, कि कौन सा चीज किससे बना हुआ है। तो पुराने जमाने में लोगों का ऐसा बिलीव था, खास तौर पे केमिस्ट्री के बुक में एक इंडियन फिलोसोफर का जिक्र किया गया है, जिनका नाम है महर्षि कनाद। आप जाकर के एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो। उन्होंने एंशियन टाइम में एक बहुत ही अच्छा फिलोसफी दिया, फिलोसफी जो कि कुछ फैक्ट होता है, हाइपोथेटिकल फैक्ट, ठीक है। तो उन्होंने एक फिलोसफी दी पंच तत्व के बारे में। उन्होंने कहा, ऑल मैटर इज मेडअप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने कहा कि दुनिया का जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, एंड द नेम ऑफ सच पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम परमाणु रखा, जिसे आज हम एटम के नाम से जानते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, महर्षि कनाद सर ने कहा था कि दुनिया का सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने परमाणु रखा, और आज हम जानते हैं कि एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। फिर उसी तरह आगे कहानी जाता चला गया, और अल्टीमेटली 1808 में सर डाल्टन का एक थ्योरी आया, जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया, मैटर इज मेडअप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। और डाल्टन सर ने कहा कि एटम से बना होता है मैटर, मतलब मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, जिसको हम कहते हैं एटम। तो ये बात समझ में आया। तो इंडियन फिलोसोफर का ऐसा मानना था, पंच तत्व पे कुछ बिलीव था, आज मैं उसी को डिस्कस करूंगा। उनका ऐसा मानना था कि ये जो होल यूनिवर्स है, ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, वो पंच तत्व से बना है। किससे बना है, पंच तत्व। अब ये पंच तत्व क्या है, पंच तत्व में पंच का मतलब होता है फाइव, तत्व मतलब होता है एलिमेंट, मतलब कंपोनेंट्स। तो पंच तत्व में नंबर फर्स्ट एयर, सेकेंड अर्थ, थर्ड फायर, फोर्थ स्काई एंड फाइव वाटर। अगर हिंदी में कहें तो नंबर फर्स्ट एयर, इसको हम लोग वायु भी कहेंगे हिंदी में, वायु। सेकंड में अर्थ, मतलब भूमि, मतलब मिट्टी, ऐसा कह सकते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा, फायर, मतलब अग्नि। फोर्थ में स्काई, मतलब आसमान, मतलब आकाश ज्यादा सही रहेगा। एंड फिफ्थ में क्या है, वाटर, मतलब क्या, जल।
मतलब नीर जल। तो इंडियन फिलोसोफर का ऐसा मानना था, अभी भी ये बिलीव है लोगों का पूरा यूनिवर्स पंच तत्व से बना है, मतलब फाइव एलिमेंट से मिलकर के बना है। खैर अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं हुआ है कोई, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता दे, E=mc2। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, पूरी दुनिया लगभग इसके बारे में जानती है। तो ये प्रूव है E=mc2, इस पे बहुत सारा रिसर्च भी हो चुका है। जैसे चलो E=mc2 अगर नहीं समझ में आता है आपको, तो आप ऐसे समझो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½mv², ठीक है। तो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ½mv², तो ½mv² प्रूव है, जहां पर मास m बराबर मास है, v का मतलब वेलोसिटी है। तो बहुत सारी चीजें प्रूव है, बहुत सारी चीजें हाइपोथेसिस में अभी भी चल रही है, उसको पढ़ाया जाता है, वाकई में ऐसा है या नहीं उसके बारे में कोई श्योरली नहीं बोल सकता है। तो ये पंच तत्व है, फिलोसोफर का ऐसा मानना है कि जो पूरा यूनिवर्स है ये फाइव एलिमेंट से मिलकर के बना है, मतलब फाइव कंपोनेंट से मिलकर के बना है, जिसको कहते हैं पंच तत्व। लेकिन हाँ यहां पर एक बात तो श्योर है कि ये दुनिया का जितना भी कंपोनेंट है, मतलब जितनी भी मैटर को हम देखते हैं, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, एक बात तो श्योरली हम कह सकते हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पंच तत्व कहां तक सही है इस बारे में अभी तक कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, बट NCERT बुक में दिया हुआ है कि महर्षि कनाथ या फिलोसोफर का ऐसा बिलीव है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना है। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फैक्ट के साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जरूर पूछिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।